हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय। देखिए, आज पहले काम की बात करेंगे। परसों है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन अभी फिर से बोल रही हूँ, परसों महाशिवरात्रि है, 2 तारीख को है अमावस्या। अमावस्या के दिन नमक का काम सब तो होने ही वाला है, हम तो करते ही हैं। क्या होता है मालूम है, इस दिन कैसा भी अपना दुश्मन हो, कुछ भी हो, उनको सबक सिखा सकते हैं। बाकी जितने मेरे ग्रुप वाले हैं, सबके लिए शक्तियाँ एक्टिवेट हैं। जितने मुझसे शक्ति ली, उनको होली की रात को शक्तियाँ साक्षात रूप में दर्शन देगी। इसलिए मैं अभी भी बोल रही हूँ, अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं, मैंने बोला ना आपको, कुछ लोग नौटंकी करेंगे कि माँ कुछ दिन में पैसा जमा करें क्या, पैसा जमा करके आपको करें क्या पूजा। नहीं, मैंने क्या कहा, इस अमावस्या तक, अभी जैसे आज और कल में, जो भी आज और कल में पूजा चालू करा रहे, तब जाके उनकी अमावस्या को पूजा पूरी होगी। उसके बाद या कोई भी शक्ति लेंगे तो अमावस्या को पूजा पूरी होकर होली के दिन उनको साक्षात्कार दर्शन मिलेंगे। और सिर्फ दर्शन ही नहीं मिलेंगे, उस शक्तियों से उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जैसे किसी का बहुत प्यार बहुत दिनों से दूर चला गया हो या कुछ भी हो, उन सब चीज़ों का, उन सबको फ़ायदा मिलेगा। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, इसलिए मैं अपनी वीडियो में पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट तक तो कोई ऐसा वीडियो सुनते नहीं है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये मौका मत गमाओ। मैंने कल भी वर्ड डाला था लास्ट के वीडियो में कि विस्की वशीकरण का मैं लोगों से 50-50, 60-60 हज़ार लेती हूँ, लेकिन इस महाशिवरात्रि के लिए, सिर्फ महाशिवरात्रि के लिए, परसों महाशिवरात्रि है, उसके लिए उसका दाम सिर्फ 21 हज़ार किया गया। क्योंकि विस्की वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है जो 7 दिन में आदमी को कुत्ता बनाता है। लेकिन यह 7 दिन भी नहीं, 72 घंटे में आपका काम पूरा होगा। 72 घंटे में आप जैसा बोलोगे वैसा वो बंदा आपके आगे झुकेगा, और ज़िंदगी भर वो आपको नहीं छोड़ेगा। ये काम ऑलरेडी हमारी किसी एक लेडीज़ के लिए चालू है, वो बेचारी भी बहुत दिनों से अपने पति से अलग रह चुकी है। लेकिन हालांकि हमें पता चला है कि उसका पति उसके साथ रह के भी नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर उसके घर वालों का प्रेशर है। उसके घर वालों ने उसके दिमाग में डाल के रखा है कि मत, हमारे साथ रह, ऐसा। और दूसरी बात ऐसी भी है कि मैंने आईनी अमलेत में देखा, मैं तो इस मामले में चोर हूँ, मैंने आईनी अमलेत में भी देखा है। तो ये है, क्या है ना, जो इंसान मुंबई की दुनिया में रह जाता है ना, तो पॉसिबल है कि एकाक अफेयर तो रहता ही रहता है। तो जिस बंदे के लिए हम लोग ने पूजा चालू की, वो बंदे का ऑलमोस्ट कहीं जहाँ पर वो रहता है मुंबई में, वहाँ पर उसका एक और अफेयर चालू है। इसके लिए उसने ऐसा ऐसा दिमाग में गेम खेला है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो कैसा है ना, हमेशा होशियारी है ना, ज़्यादा दिन नहीं चलती है, ये बात पक्की है। ज़्यादा होशियारी करेंगे ना तो होशियारी ऐसी नहीं रहेगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वालों को भी सबको भारी पड़ जाए, ये होती है। मैंने आईनी अमलियत में देखा है, लेकिन तो भी मैं चुप हूँ, मुझे किसी को कुछ ना बताना है ना, मुझे किसी को कुछ बोलना है। कहते ना, गेहूँ के साथ घुन पिसेगा ना तब पता चलेगा, ऐसी बात है। क्या होता है ना, लोगों को अपन समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आती है। जब गेहूं के साथ घुन पीसेगा, ऐश करने वाला तो ऐश करने वाला करता है, भागने वाला तो भाग जाता है। उसके लिए मैं बोलूँगी कि किसी को समझदारी से, दिमाग से काम लेना चाहिए कि क्यों बीच में पढ़ के अपने आप को कोहलू के बेल में डालने का। आज की तारीख में कोई सगा किसी सगे का काम नहीं आता भाई, दूर से जय राम जी के आओ, एक रोटी खाओ और जाओ, फालतू में क्यों फंसने का। अच्छी खासी ज़िंदगी है, अच्छा खासा बैठ के खाने पीने में, मस्त में ऐश करो, क्या है सब लफड़े में पड़ने का। जान दो हमें, क्या हमारा काम है समझाना, हम तो चुप है। और आज मेरी बा वीरवार है, क्योंकि रविवार के दिन हमारी बॉडी वाले शख्स बहुत एक्टिव रहते हैं। आज मेरी बा उन सबको सबक सिखाने वाली हैं, जिन लोगों ने मेरे केशों के पीछे पड़े हैं, मुझे केशों के पापा से अलग करने की कोशिश की। मैंने पहले भी कहा है, कितनी बार कहा है, थोड़ा तो दिमाग से काम लो। मेरी चीज़ तुम लोग मुझसे छीनोगे, तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी, क्या लगता है तुम लोगों को। मैं नहीं बात करूँगी केशों के पापा से, तो क्या केशों के पापा मुझसे आके नहीं बात करेंगे। वो इंसान वैसा है ही नहीं, मैं उससे भले दुनिया में कभी भी बात नहीं करूं, लेकिन तो भी मुझसे बात करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि मैंने उन पे केस किया है या ये किया है, वो सच में मुझे मानते हैं। लेकिन जाने दो, अभी क्या होता है मालूम है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस वक्त क्या है, उनके आँखों पर काली पट्टी बंधी हुई है ना, उनको इस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त उनको अच्छे बुरे का भेद नहीं है, इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि जो जो बोल रहा है वही सही है। मैं तो एक ही बात समझाऊंगी कि आज की दुनिया में परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है, तो क्यों ज़बरदस्ती कोल्हू की ओखली में अपना सर डालने का। अरे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है यार, खाओ पियो मस्त रहो, तुम्हारे पास भगवान ने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी है, मतलब अच्छा खासा सहूलियत दिया है। जिसकी भी मदद करनी है, दूर से पैसा फेंको, तमाशा देखो, क्या ज़रूरत है सर ओखली में डाल के अपना करने का, कोई काम नहीं आने वाला है। एक बात बताऊँ, कभी भी ना किसी मियाँ बीवी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अक्सर
कल वो मियाँ बीबी एक हो जाते हैं और हम दुश्मन बन जाते हैं। ये बात याद रखना, मैं हमेशा बोलूँगी, मैं सबके लिए बोलूँ, ये महाशिवरात्रि है लेकिन यही बात है कि मत बोलो, लेकिन ये है कि ये पूजे का काम जो है छोड़ो। आज मेरी बात सबको सबक सिखाने वाली है, क्योंकि आज वीरवार का दिन है, क्योंकि वो कैसी मालूम है, उन्होंने पहले ही कहा है, जो मेरी बेटी तक आएगा, मेरे दामाद तक आएगा, मेरे पोते नाती तक आएगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। अब आज वो क्या करेंगी वो तो वही जानती हैं क्योंकि वो बहुत गलत करती हैं। आज वो बॉडी वाले शख्स को ऑर्डर देने वाली हैं कि हमारे आशीर्वाद से जिसको जो जो मिला है सारा कुछ वापस ले लें। हालांकि हमारे ग्रुप में मेरी एक बहुत अच्छी थी शागिर्द, मतलब मेरे साथ सीखी हुई थी मेरी चेली, उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। उसकी गलती कुछ नहीं थी, उसकी गलती यही थी कि उसको मुझसे, अपनी गुरु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, उसको मुझे नहीं खोना था, उसने उस कोशिश में वो गलती कर दी जो उसको नहीं करनी थी। उसने हमेशा बा के सामने सिरे रहती लगा कि यही कहा है कि कुछ तो ऐसा हो कि माँ मुझे अपने पास वापस बुला ले, माँ मुझे अपने पास रखे। मतलब वो क्या होता है मालूम है, मेरी दुनिया ही वैसी है, मेरी दुनिया ही ऐसी है, उनकी उसकी गलती नहीं है, मेरी दुनिया ही ऐसी है कि मेरे पास जो एक बार आता है मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। उस चक्कर में उसने अपनी शक्तियाँ खो दी, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। हमारे पूजा पाठ में रूल है, मुझे भी मेरी बा से बहुत प्यार है, लेकिन मैं अपनी बा के पास थोड़ी ना जाके ज़िंदगी भर रहूँगी यार, मैं बा के लिए थोड़ी ना सिगरेट रखती लगाऊंगी कि बा मुझे अपने पास बुला। अब अगर इस बात के लिए भी अगर उसने और झूठ कहा तो उस बात पे उसको, और वो गलत नहीं है, वो प्यार के चक्कर में वो सोची कि मुझे माँ के पास जाना है, माँ के पास रहना है, ऐसे नहीं होता है। माँ की भी अपनी ज़िंदगी है, माँ की भी, माँ का भी अपना घर है, माँ के भी परिवार हैं, किसी तीसरे की जगह नहीं है ना इस घर में। आदमी को सोचना चाहिए, सबका एक घोंसला, भगवान ने सबका एक घोंसला बनाया है, अपने घोंसले में रहना अच्छा है। अभी अंबानी का बंगलो बहुत अच्छा है ना, वो बड़ा है ना, तो हम थोड़ी ना सोचेंगे कि हम, अगर हम गए गलती से और उसने हमें इज्जत दी, एक दिन बिठा के खाना खिलाएगा, ज़िंदगी में थोड़ी अपने साथ रखेगा। किसी का घर, किसी की चीज़ों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। गुरु जैसा बनना, गुरु जैसा दिखना, ऐसा नहीं अच्छा है आपको। बल्कि दिल, मैं बोली ना, जिसकी शक्तियाँ छीन हुई उसका दिल बहुत अच्छा था, लेकिन मन में लालच आना वाजिब सी बात है, लालच आना ही है, क्योंकि ज़िंदगी और ये घर, ये जगह ऐसी ही है, ये चीज़ ही ऐसी है कि आदमी का मन भटक जाता है। और दूसरी एक और गलती है, हमारे पूजा पाठ में बिल्कुल इजाज़त नहीं कि जब तक आप समाधि से इजाज़त ना लो तब तक किसी भी, कोई हर इंसान, हर आदमी हमारे लिए भाई और बाप होता है। हम चाह के भी किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते, एक वो कारण भी था जिसकी वजह से ये सारा कुछ ख़त्म हो गया, और ये जिसकी वजह से ख़त्म हुआ है उस आदमी को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है वो मेरा वीडियो देखता है, लेकिन ये बात पक्की है कि उस आदमी को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं ये बात पक्की बोल रही हूँ कि उसकी वजह से एक बेचारी मेहनत की हुई का सारा कुछ चला गया। क्या होता है मालूम है, गलती उसकी बिल्कुल भी नहीं है जिसकी शक्तियाँ छीन हुई है। ज़िंदगी में कोई सुख ही नहीं था, थोड़ा सा सुख मिला तो वो उसमें बहक गई, लेकिन गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही, गलती मान नहीं रही है, जो कि आईनी अमृत में दिख रहा है। मैं इतना ही बोलूँगी, अब फिर से उसको शुरुआत करनी पड़ेगी ये, क्योंकि देखो गुरु को, गुरु 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 का एक परिवार होता है, समझे। अगर गुरु को सोचो कि उनके पति से थोड़ा सा अनबन हो जाए तो माँ हमको अपने पास बुला ले, माँ हमको अपने पास रखे, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। माँ बाप कभी देखो माँ मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, दो दिन, चार दिन, दस दिन, ज़िंदगी भर के नहीं होते। तो मेरा केशव आने वाला है, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को अपनी सेवा पे ध्यान देना चाहिए, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये बात है। ऐसा कोई गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको वो पड़े, समझे। मेरा कहना, मैं बातें बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन ये है कि पूजा पाठ में शक्तियाँ बहुत बेकार होती है और आप बा स्टेप लेने जा रही हैं ऐसा। देखो मैं है ना, मेरे एक बात है, मैं जिसका जो भी काम लेती हूँ, मेरे घर में एक विशाखा बहन भी आई थी, वो भी चली गई, क्योंकि सबको अपने घर में रहना अच्छी बात है, तो क्या ये घर ही ऐसा है। वो भी यहाँ पे मोहमा में फंस गई थी, लेकिन ये है कि उनको सबको सोचना चाहिए कि मेरे पीछे मेरी बा है। और दूसरी बात, एक और बात, मैं जो काम करके दे सकती हूँ ना, इस दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने लोगों को समुद्र में उतारना सिखाया, तैरना बिल्कुल नहीं सिखाया। तो अब ये है, छोड़िए, आप लोग अपने पूजे में ध्यान दीजिए। और एक ही बात बोलूँगी, शक्तियाँ, वशीकरण, मारण, मोहन अभी दीजिए, आज और कल में दीजिए,
बाद में देंगे, सोचेंगे कि अमावस्या के बाद देंगे और माँ हमारी पूजा करेंगी। देख लीजिएगा माँ बिल्कुल भी, पूजा भले ले लेंगे, शक्तियाँ भले आपको देंगी, लेकिन होली के दिन साक्षात्कार दर्शन नहीं करवाएंगी। होली के दिन साक्षात्कार दर्शन उसी को होगा जिन्होंने अमावस्या के पहले पूजा दी है, ये बात है। बाकी हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बिल्कुल ना भूलें। जय माँ बगला मुखी, जय माँ।